हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी कोई वीडियो नहीं शूट करने वाली थी, बट इनकी मस्ती देखी ना तो मेरा मन किया कि मैं शूट करती हूँ। ये देखिए, ये सारे टॉयज के साथ क्या कर रखे हैं, ये क्या कर रखे हैं दोनों बेड पे सारे टॉयज को लेकर? आपने बोला रखो रखो बाबू। गाइस को बता दो, देखिए बता दो। गाइस ये मम्मा मेरे टॉय नहीं रखी और ये बोले डिब्बे माइक है। ये तो सरेआम ब्लेम कर रहा है। ऐसे कहोगे सब लोग मुझे, फिर मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। सब अपने बच्चे को मारती हो, मैं तो मारती भी नहीं हूँ आपको। नहीं, सब सेम से बोलते, अरे इतने छोटे बच्चे को। सब लोग सेम से बोलेंगे, इतने छोटे बच्चे को मारते हो। ये छोटा बच्चा कितना बदमाशी करता है, ये कोई बताता है? तो बताओ तो आप क्या क्या बदमाशी करते हो? ये बातें तो सुनो। और गाइस देखो, मतलब ये होता है ना कि स्कूल में बच्चे कॉपी बुक्स पे तो पढ़ते हैं और ठीक है, बट कुछ चीजें ना गेम गेम में ही पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये आप लोगों को चाहता है, मैं अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गेम है टम्बोला, है ना? टम्बोला गेम है जो कि ये लेके आए मुझे खेलने के लिए कि मम्मा चलो खेलते हैं। सो इस पे ये कुछ है, मुझे ये गेम नहीं आता है, बट आप देख रहे हो ना ये काउंटिंग के जो भी ये सारे हैं, जितने भी नंबर, तो इनको ये नहीं आता था। बस ऐसे बता दो 50, तो उसके बाद 51, 52 ऐसे करके 100 तक काउंटिंग करते थे ये। बट अभी ना एक एक बार बस पूछा, ओहो ओहो चुप गया ना, इधर ले ट्रेन का वो है। तो एक एक बंदूक, बस एक एक बार इन्होंने पूछा कि मम्मा ये क्या है, 71, 65, 78, तो ये सब कुछ ने एक बार बस पूछा है इन्होंने, उसके बाद ये सारा इनको आ गया। ये जितना नीचे की काउंटिंग है ना 50 के बाद की, ये सारे 46 के रेंज की दो तीन है बस। बाबू वो सब गेम नहीं खेलते, दादी पिट्टी करेंगी। तो ये सब इनको आ गया बहुत अच्छे से, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो ठीक है, ओके। और गाइज बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, अभी नीचे चलते हैं, बहुत खेल लिया इन्होंने, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ अभी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था ये कि दी इतने स्लीम हो, ये हो, टमी बिल्कुल अंदर है। तो गाइज मैंने टमी अंदर के लिए बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे नहीं, एक स्पेशल बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लो, फॉलो कर लेना। कुछ ड्रिंक वगैरह भी बताया है पीने के लिए रेगुलर, वो भी है, और गर्म पानी आप मॉर्निंग में ज़रूर लेना, ठीक है। लेकिन पता है क्या, पेट जो है ना, हम नेट वेट की साड़ी पहनते, जैसे कि मम्मी फंक्शन में मैंने नेट की साड़ी पहनी हुई थी, तो उसमें जो टमी है ना, मतलब अच्छा दिखता है, अच्छा होता है तो और अच्छा लगता है, ऐसी बात है। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स पता है क्या होती है, कि जब डिलीवरी होता है ना तो उस पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स पड़ने की वजह से हमारा जो पेट होता है ना बहुत ही गंदा दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पसंद होगा स्ट्रेच मार्क्स, बट क्या कर सकते हैं। बहुत सी लेडीज है आज की डेट में जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उनको ये प्रॉब्लम है, बहुत मतलब बहुत ही बेकार लगता है। जिसको है वही इस चीज़ को समझ सकता है, बट थैंक गॉड कि मुझे नहीं है। और इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने के पीछे तो मतलब कि बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, ठीक है। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कोई किट है जिसको अगर आप लोगों का स्ट्रेच मार्क्स है तो भी, और अगर मतलब कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप इसको यूज करोगे, कैसे क्या करना है वो सब कुछ डिटेल में अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइज, तो ये है वो किट माइलो केयर का, ये है माइलो केयर का क्रीम, स्ट्रेच मार्क्स क्रीम, ठीक है, और ये है माइलो केयर का स्ट्रेच मार्क्स ऑयल, दोनों ही है। गाइस अगर आपको डिलीवरी होने वाली है, आप प्रेग्नेंट हो, तो आप इसे डेफिनेटली यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आपकी डिलीवरी हो गई है और उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ना प्रेगनेंसी के टाइम पे आफ्टर डिलीवरी मुझे स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे टमी एरिया पे, बिल्कुल भी नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिकॉशन लिया था। सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रिकॉशन स्ट्रेच मार्क्स के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ना थाई पे थोड़ा बहुत से आ गए थे, तो इसके लिए मैं इसे यूज कर रही हूँ और मुझे लगभग एक महीना हो गया इसको यूज करते हुए। तो स्ट्रेच मार्क्स जो है ना, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पूरी तरीके से गायब नहीं होता, बिल्कुल क्लीन नहीं होता, लेकिन वो हल्का जरूर हो जाता है। गाइज मैं एक बात बता दूं, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं बहुत ही गंदे दिखते हैं, और मुझे जहां तक पता है किसी को भी नहीं पसंद आता, कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता है। तो आप माइलो केयर का ये किट जरूर यूज कर सकते हैं।
तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ब्रांड के बारे में। तो ये है माइलो केयर का प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। इसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है नेचुरल बटर एंड नेचुरल ऑयल से बना होता है ये इनका प्रोडक्ट। सो गाइस माइलो केयर का जो ये स्ट्रेच मास्क क्रीम है एंड स्ट्रेच मास्क ऑयल है तो ये जो है नेचुरल बटर एंड नेचुरल ऑयल से भरपूर है जिसकी वजह से आपका जो स्किन है उसको बिल्कुल मॉइस्चराइज रखता है और स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है जिसकी वजह से आपका जो स्किन है वो ड्राई नहीं होता है और उसमें जो इचिंग होती है उसको कम करता है, मीन्स इचिंग को खत्म ही कर देता है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा जो कि जिनको बेबी हो गया होगा तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि हमारा जो स्किन होता है बहुत ड्राई हो जाता है, स्पेशली जो हमारा जो टमी एरिया होता है ना वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग होता है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट यूज करने पे आपको इचिंग नहीं होगा। सो गाइज अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इसे डेफिनेटली यूज करो, लेकिन अगर मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है, यूज नहीं किया है और डिलीवरी हो गई है और उन्हें स्ट्रेच मास्क आ गए हैं तो भी आप ये इसे यूज कर सकते हो। आपको जो स्ट्रेच मास्क है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये इसका क्रीम है एंड ये इसका जो है ऑयल है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें कोई भी हार्श केमिकल जो है वो यूज नहीं होता है। यहाँ पे मेंशन भी है, आप देख सकते हैं, नो पैराबिन। इसमें कोई सिंथेटिक कलर या फ्रेग्रेंस यूज नहीं होता, ये बिल्कुल सेफ है। तो आप बेफिक्र इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि मतलब कि ऐसा हो जाता है ना कि हम गलतियां कर देते हैं, हमें प्रिकॉशन पहले नहीं ले पाते हैं जब हमें नहीं पता होता है तो। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप लोगों को पता लग रहा है कि हाँ इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है तो आप डेफिनेटली इसे एक बार यूज करके जरूर देखें। गाइस ये किट आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके जो डैमेज स्किन है उसको भी रिपेयर करती है। माइलो केयर का जो किट है ना स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेस्ट किट है क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ तो थोड़ा हल्का होना शुरू हो गया मेरा स्ट्रेच मार्क्स जो है। तो अब मैं इसका जो टेक्सचर है उसके बारे में बता दूं तो सबसे पहले मैं आपको माइलो केयर का जो स्ट्रेच मास्क क्रीम है इसका टेक्सचर जो है दिखा देती हूँ। तो इसका जो टेक्सचर है ना गाइस वो कुछ ऐसा है, ठीक है, क्रीम जैसा ही है बट ये काफी बटरी है, ये देखिए, जिसकी वजह से ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और इचनेस को ना बिल्कुल ही खत्म कर देता है, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगा आपके स्किन पे। एंड जो ऑयल है उसके बारे में क्या बताएं, ऑयल है वो ऑयल है, ऑयल की तरह ही है बट काफी अच्छा है। इसका भी जो टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये रहा। गाइस एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना है वो मैं बता दूं कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट ना एक ही साथ यूज नहीं करना है, आपको जो ये प्रोडक्ट है इनको दो बार यूज करना है। एक तो मॉर्निंग में जब आप नहा के आते हो तभी से अच्छे से लगा लो, जहां भी, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट हो तो पूरे टमी एरिया पे अच्छे से लगा लो, जहां भी आपको लगता है स्ट्रेच मार्क्स आएंगे वहां पे, और या फिर जिनको हो गए हैं उनको जहां पे है। जो सेकंड है वो आपको सोने के टाइम पे इस क्रीम को अच्छे से लगा के तब सोना है। तो गाइज आपको क्या करना है कि एक दिन आपको ये क्रीम यूज करना है मॉर्निंग में नहाने के बाद एंड नाइट में सोने से पहले, और नेक्स्ट डे जो है तो ये ऑयल यूज करना है मॉर्निंग में नहाने के बाद एंड नाइट में सोने से पहले, ठीक है। अगर आप इन दोनों को यूज करते हो, एक दिन क्रीम और एक दिन ऑयल, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। तो गाइस दोनों जरूर यूज कीजिए, जैसे कि आपको आप अगर प्रेग्नेंट हो तो, या फिर अगर आप जिम वगैरह कर रहे हो, अपना वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं ना और एकदम से अपना जो वेट होता है उसको लॉस करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। किसी किसी को यहाँ पे, ये बैक साइड में, थाई पे, मतलब बहुत जगह स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली उनका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो चला जाएगा। डेफिनेटली आप इस माइलो केयर के इस प्रोडक्ट को, स्ट्रेच मार्क्स जो किट है, इसको परचेस कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके जरूर वहां पे चेक कीजिएगा। और क्या करूंगी ना इसको फर्स्ट कमेंट में मैं इसे पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके ले लीजिएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो गाइस कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, इस अलमारी में रखना है, और धनु जी जहां भी रहते हैं अपना कारनामा कर देते हैं, यहाँ भी कुछ अपना गेम जो है खोल के गए हुए हैं, ये देखिए। और एक्चुअली मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मैं आप लोग ऐसे देख रही हूँ, सो इग्नोर करिएगा। और मॉर्निंग में आज मम्मी पापा नहीं थे, एक्चुअली कल एक जो मेरी मामी है, माधुरी मामी, जो अन्नू है ना मेरी ननद, उनकी मामा मामी जो है उनकी एनिवर्सरी थी तो मम्मी पापा गए थे तो वहीं पे थे। आज मॉर्निंग में आए हैं वो, मॉर्निंग यानी आफ्टरनून, 12 बजे के बाद ही आए हैं तो आफ्टरनून में आए हैं, और इसी वजह से धनुआ थोड़ा सा परेशान कर रहा था सुबह, और अभी अपने बाबा दादी के साथ लगा हुआ है। और बहुत से लोगों ने ना पूछा था इस क्लच के बारे में, तो ये जो क्लच है सच में बहुत ही प्यारा, और मेरी साड़ी के साथ मैच भी किया था। तो ये क्लच मैंने अमेजोन से लिया है, मेरे चैनल पे ही अमेजोन जो हॉल होगा फैशन हॉल उसमें इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तब भी सच में मेरी ठीक नहीं रह रही है, ओके
तो ये है धनु का पजल, जो कि बहुत छोटे थे तभी तभी उनके लिए आया था, तब भी वो कर लेते हैं सॉल्व। ये तो अभी अपनी को गिफ्ट मिला है, वो वाला है। सो मैं अपना ये ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। क्या देखना है आपको? कहाँ है यूट्यूब? ये निकालना होगा, इसे निकल जाएगा। अब ये सॉफ्ट पूरा हो जाएगा। ये नहीं कर रहा है। रुको अभी मैं बताती हूँ, रुको आप कुछ नहीं आता। नहीं रुको मैं बताती हूँ। अब कैसे होगा साइड? निकल तो रहा है। वाओ अच्छा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप मम्मा को कितना प्यार करते हो? बहुत। में कितना? ये सूख गया इसलिए नहीं निकल रहा है ना? गर्मी से। हाँ गर्मी से। सुनो किसको मेहंदी लगा रहा दादाजी बता दो। आपको। आप खुद ही आओ। ये रही हमारी मेहंदी, स्माइली फ्लावर। ये हाँ तो कैमरे में क्या मुझे मेहंदी भाई गई तुम आप आई। ये ना शायद मुझे पंडित जी दिए थे। हाँ इसको पूरे देह पे लगा यहाँ पे। पूरे देह पे? नहीं इस पे, इस पे। नहीं नहीं पूरे हाथ पे? हाँ। नहीं पूरे रेड रेड हो जाएगा ना। हो गया बस लगा। कोई नहीं कोई नहीं। चलो दादी को दिखाते हैं। कोई नहीं हो तो क्या यहाँ पे जो दादी बुला रही। ये हमारा कूल दादी बोल रही है। ठीक है अब जाओ दादी की बात पहले सुन के। सो गाइज यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना बेड का सिढ़ाना, इसमें बहुत सारे सामान होते हैं और बहुत गंदा भी ये हो जाता है क्योंकि इसकी ना गहराई बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे सामान आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना जल्दी जल्दी में जो भी सामान ऊपर दिखता है उसको उठा उठा के उसी में डालते हैं और वो इधर उधर भी नहीं होता। मतलब कि कुछ ढूंढना हो ना तो इसी में जाओ ढूंढ लो मिल जाएगा। तो हमारे घर की एक एसी का रिमोट खो गया है तो मम्मी ने बोला ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले मैंने सोचा ये सफाई भी हो जाएगा मैं ढूंढ भी लेती हूँ। और ये नेबुलाइजर है क्योंकि हमारे घर में दोनों ही बच्चों को कोल्ड की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो हम घर पे ही नेबुलाइजर दे लेते हैं इसलिए हम ऐसा रखते हैं। तो सब मैं साफ़ कर रही हूँ क्लीन कर रही हूँ। बट यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ आप लोगों से कि मैंने क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाने वाली थी उसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, लेकिन उसमें आप लोगों ने मुझसे नहीं फैमिली से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जिसका मैं आंसर नहीं देना चाहती बिल्कुल भी नहीं। मैं उस जोन में जाना ही नहीं चाहती इसलिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे पता है बहुत भला बुरा बोला जाएगा, गालियाँ पड़ेंगे मुझे, बहुत कुछ बोलोगे आप लोग नेगेटिव, बट कोई नहीं मैं सुन लूँगी। लेकिन अभी आप बोलोगे लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी तो फिर उसमें भी कुछ ना कुछ आप लोग बोलोगे, फिर झूठ सच सब कुछ, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हो जाएगी जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। और ये बात भी बताना जरूरी है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ लॉयल भी रहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर हूँ और क्वेश्चन पूछ लूँ फिर मैं उसका ब्लॉग नहीं बनाऊँ, तो इसके लिए भी आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे या बोलोगे, इसलिए मैंने सोचा इस ब्लॉग में क्लियर कर देती हूँ। सो गाइस
उस ब्लॉग में तो वैसे मुझसे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया और बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पूछे, बट उन सारे फैमिली क्वेश्चन की वजह से मैं अपने पर्सनल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी ना उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी कि आपने क्वेश्चन पूछा है, हमने ये क्वेश्चन पूछा उसका तो रिप्लाई दिया ही नहीं, किसी और का दे दिया, इसका दे दिया, उसका दे दिया, इसका क्यों नहीं दिया, उसका क्यों नहीं दिया, तो मैं इसलिए उन सब मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप अपनी लाइफ डेली रूटीन ये सब शेयर करो, तो मेरा जो डेली रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, बहुत सारे सरप्राइज ब्लॉग्स भी हैं, सो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, वो देते रहिए। और मेरा ये सिर्फ अभी निकाला गया, उसमें सामान अभी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद अभी उसको क्लीन करना है। आप जो हॉस्पिटल से आए थे तो पापा कितने खुश हुए थे, पहले बताओ आपको कैसे पता कि पापा खुश हुए थे? मम्मा, ऐसे तो आपके हाथ में चोट कैसे लगी थी? ये चोट नहीं लगी थी बेटा, इसे कैनुला बोलते हैं, इसमें ना रोज आके डॉक्टर जो है ना नर्स वो रोज आके मामा को इसमें इंजेक्शन देती थी, रोज सुनो सुई चुभा देती थी उसी में। और कौन सा फोटो देख के कह रहे थे मेरे प्यारे पापा, इनको मिल गए बाहर सब कुछ देख के, ये मिलेगा वो मिलेगा, स्केच मिल गया, वाओ दो दो हो गए, अब तो दोनों और अच्छे से पढ़ाई करेंगे है ना। पापा कितने खुश हुए थे ना जब मैं आया था, आपको कैसे पता बेटा? पापा जी जो हमारे वो टीलवर है तो उन्हें कभी भी चाय की डिमांड कर देते हैं, तो ये उन्हीं के लिए कप चाय बना रही हूँ। आपका कहाँ गया, कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, मतलब आप इतना शेर क्यों बन रहे हो, बहुत स्ट्रांग हो आप। बाबू उतर के काट लिया था उसका अत, देखो देखो सोच रहे ना कि डरा रहे हैं ना। भगा दिया आपने, अब तो बहुत बड़े हो गए हो। एक दिन ना ये उधर वाली गाड़ी पे भी बैठा था, उधर मैंने देखा नहीं। आपने नहीं देखा था? मैं तो फरीदाबाद था। नहीं बेटा आप यहीं थे, आप फरीदाबाद थे तो मैं यहाँ कैसे थी? रुको दरवाजा, हाँ सो गए, जादुई डॉल होगी। कह रही है किसकी डॉल है, किसकी डॉल है, शायद ये जादुई डॉल होगी। सब टीवी फोन में देख देख के बच्चे एकदम, तो फेंको सबके नीचे, किसी उठा छी नीचे, कोई भी सामान नहीं उठाते। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना वैसे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है ना, जब ऐसी हवा चलती है ना मैं पागलों की तरह बाहर आ जाती हूँ, आज भी मैंने वही किया है। फेंक देते हैं ना बेटा, ये भी फेंक दो, बहुत अच्छा लगता है, इतना सुकून आता है ना। मम्मा इसको ऊंची पे करो, गाड़ी की चाबी किसने खोला? इस हवा का मजा ले रहे हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मुझे मजा लेना है। ठीक है, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।